वही दोस्तों, आज मैं इस फ़ोटो को तरह एडिट करना सिखाऊंगा कि आप भी ऐसा फ़ोटो कैसे एडिट कर सकते हैं, वो भी सिंपल फ़ोटो को। तो हम अपने फ़ोटो को लेकर चलते हैं स्नैपसीड में, और स्नैपसीड में लेकर आने के बाद आप अपना फ़ोटो देख लीजिएगा पहले कैसा है, और फिर हम चलेंगे टूल्स वाले ऑप्शन पे, टर्न इमेज, और यहाँ पर हम ब्राइटनेस हल्का सा देंगे, फिर इसका एम्बेंस चेंज करेंगे, तो इसका 100% कर देते हैं एम्बेंस, और फिर डन, फिर व्यू एडिट्स, टर्न इमेज और रिमूवर। तो इस पर हम क्लिक करके हम अपने चेहरे को जो रेड हुआ है उसको हम रिमूव कर देते हैं फटाफट से। तो आपको जहाँ जहाँ ज़्यादा रेड दिखेगा ये अपने फ़ोटो के हिसाब से रख लीजिएगा। तो मैं इसे पूरा एडिट रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे दीवार भी थोड़ा ज़्यादा रेड दिख रहा है तो उसको भी रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद डन, फिर बैक, फिर टूल्स वाले ऑप्शन पे, टर्न इमेज पे, फिर ब्राइटनेस देंगे हम हल्का सा, और एम्बेंस भी फिर प्लस करेंगे, तो फुल मत करिएगा। फिर इसका हाईलाइट कम करेंगे, फिर टूल्स इमेज, फिर सिलेक्टिव, और प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे हम ब्राइटनेस देंगे। जहाँ ज़्यादा ब्लैक दिख रहा है हमें ब्राइटनेस दे देते हैं, और इस आपको थोड़ा ज़्यादा रेड दिख रहा है तो इसका सिचुएशन कम कर देते हैं, और जहाँ जहाँ आपको ब्लैक दिखेगा वहाँ पे ब्राइटनेस दे दीजिएगा प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर करके। हमें फटाफट से कर लेते हैं, फिर डन करते हैं, फिर से एक बार और करेंगे, हमें जहाँ ब्लैक दिख रहा है उसे वाइट कर लेंगे। आप भी अच्छे से कर लीजिएगा। फिर डन, हमारा फोटो अच्छा हो गया। अब फिर पोर्ट्रेट में जाएंगे, और इसका हम 30% के आसपास पोर्ट्रेट कर देंगे, फिर डन, और इस फोटो को हम करेंगे सेव। इसके पहले हम कर लेते हैं डिटेल्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद, इसको हम स्ट्रक्चर थोड़ा कम कर देंगे इसका, और फोटो पहले से अच्छा हो गया, ब्लैक था वाइट हो गया, और इसको हम करते हैं सेव। और इसके बाद इस फोटो को हम लेकर चलते हैं रेमनी एप्लीकेशन में। तो आपके पास अगर रेमनी एप्लीकेशन होगा तो डाउनलोड उसमें ले चलिएगा, नहीं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं रेमनी में लेकर चला आया, अगर आपके पास नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सब डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस फोटो को हम यहाँ रेमनी वाले एप्लीकेशन में लाने के बाद इसे हम करते हैं डन। इससे क्या होता है कि दोस्त, अगर आपके चेहरे पर कुछ दाग धब्बा दिख रहा होगा या आपका फ़ोटो धुंधला ब्लॉट दिख रहा होगा तो इससे साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पर एक एड आएगा, जिस एड को आप कट मत करिएगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि ये फ्री एप्लीकेशन है तो एड देगा ही। फिर इसे कट करते हैं, और एक प्रोसेसिंग करेगा थोड़ा देर, तो आप घबराइएगा मत, होने दीजिएगा। फिर मेरा प्रोसेसिंग हो गया दोस्त, ये रहा एक तरफ बिफोर, दूसरी तरफ आफ्टर। तो ये देखिए, इधर बिफोर है, आफ्टर कितना क्लीन हो गया, बिफोर करने पर और आफ्टर करने पर। हमें ऐसे फटाफट से डाउनलोड कर लेते हैं, और एड आएगा तो इसको कट कर दीजिएगा, इस सेट को देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम चलते हैं इसे ऑटो डेस्क बुक में, इस फोटो को। तो ऑटो डेस्क बुक में आने के बाद आप पेंसिल देख लीजिएगा, कौन सा पेंसिल मैं यूज कर रहा हूँ, आप भी कर लीजिएगा, सॉफ्ट इरेजर एक नंबर, और यहाँ पे सेटिंग दे दीजिए फॉलो 6 और स्ट्रेंथ 12, और साइज अपने ऊपर है। और हम फटाफट से स्मूथ कर लेते हैं फेस को, तो आप भी अच्छे से ध्यान से कर लीजिएगा। ये ब्रश काफ़ी अच्छा है, और बहुत मेहनत के बाद ये ब्रश मिला है, ये देखिए अच्छा हो रहा है। अब भी अच्छे से स्मूथ कर लीजिएगा, हम फटाफट से स्मूथ कर लेते हैं। दोस्त, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और अलग अलग हर दिन नए नए वीडियो सोच कर बनाना पड़ता है। तो चलिए हम फटाफट से स्मूथ कर लेते हैं।
और अपने हाथ पे भी कर लेते हैं, यहाँ पे बाल दिख रहे हैं और ब्लैक ब्लैक, ये सारा वाइट हो जाएगा स्मूथ करने से। तो इतना हो गया मेरा दोस्त, अब इस फोटो को करते हैं हम सेव। उसके बाद इसको लेकर चलते हैं हम पी शर्ट में, और पी शर्ट में जाने के बाद इस फोटो को हम कर लेते हैं ऐड। ऐड करने के बाद अपना देख लीजिएगा, ये जो मेरा लकड़ी हाथ में दिख रहा है तो यहाँ पे सिगरेट लगाने वाले हैं, तो आप अपने हिसाब से करिएगा। तो यहाँ पे हम एक फ़ोटो ऐड करते हैं, और मैंने सारे फ़ोटो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसे फटाफट से ब्लेंड करके और स्किन कर लेते हैं इसको, और एडजस्ट कर लीजिएगा अच्छे से, और जितना आपको ज़्यादा दिख रहा है उसको रिमूव कर दीजिएगा। हम यहाँ पर फटाफट से रिमूव कर लेते हैं। आप अच्छे से करिएगा ताकि बुझाया नहीं, और कुछ ऐसा करिए कि हाँ लगे कि हाँ सच में पी रहे हैं रियल का है। चलिए ये तो हो गया, करते हैं डन। फिर से एक फोटो ऐड करेंगे, तो ये टैटू एक तरह का हम इसे फ़ोटो में कन्वर्ट कर दिए हैं। इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको भी ब्लेंड करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको बैकग्राउंड में सेट कर देते हैं अच्छे से। फिर हम एक और फोटो ऐड करेंगे, और उसे भी यहाँ पे हम फटाफट से ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद इसको भी ब्लेंड करते हैं, और इसको भी मल्टीप्लाई। तो इसमें थोड़ा ध्यान से करिएगा अच्छे से, ताकि फ़ोटो को ऐसा लगे कि हाँ डुप्लीकेट नहीं है। और इतना करने के बाद इसको भी रिमूव करेंगे, जहाँ हमारा बीच बीच में डब्बा बन रहा है और जहाँ स्पेस थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो इसको भी रिमूव कर देते हैं। फिर रिमूव करने के बाद इसे करते हैं डन। इतना हो गया मेरे दोस्त, अब यहाँ पे एक टाइटल डालेंगे, हमें टाइटल डाल देते हैं बिहार, तो सारा कैपिटल लेटर रखिएगा आप भी, और एक एक स्पेस के बाद लिखिएगा बिहार। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, और इसको एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा आप अपनी फ़ोटो की तरह। यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करने के बाद इसका ऑपेसिटी कम कर दीजिएगा, तो मैं 70% के आसपास रखता हूँ। फिर हम एक और फ़ोटो ऐड करेंगे अपने नेम के टाइटल, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अगर टाइटल बना के रखे हो तो ऐड कर सकते हो, या आप ऐसे भी फ़ोटो को सेव कर सकते हो। तो मैं पहले से बना के रखा हूँ, तो उसे ऐड कर लेता हूँ। इसे फ़ोटो थोड़ा अच्छा दिखने लगता है, और इस फोटो करते हैं डन। और इतना होने के बाद हम फोटो को सेव करके लेकर चलते हैं लाइट रूम में। लाइट रूम में आने के बाद इसका हाईलाइट हम थोड़ा कम कर देंगे, और शैडो प्लस करेंगे, वाइट बैलेंस थोड़ा सा माइनस करेंगे, और ब्लैक्स थोड़ा बढ़ाएंगे। तो इसका टेम्परेचर हम मिलाकर देखेंगे कितना हमें लगेगा कलर वाले में आकर। तो हम इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, और सिलेक्टिव वाले ऑप्शन पे आने के बाद सिलेक्ट सब्जेक्ट और क्रिएट, और क्रिएट होने दीजिएगा। फिर यहाँ पे हम डिलीट वाले के ऊपर जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके इसको बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेंगे टोटल, और इसका टेम्परेचर हम चेंज करेंगे। तो इसका टेम्परेचर हम चेंज कर लेते हैं,
तो हमें बैकग्राउंड में ब्लू ब्लू चाहिए, बैकग्राउंड ब्लू तो टेम्परेचर से हो सकता है। और फिर भी यहाँ पर कलर आकर एडजस्ट कर लीजिए, आपको जो कलर अच्छा लगे तो लगा सकते हैं, पर हमें तो ब्लू लगाना है तो हम ब्लू ही रखते हैं। तो हमें अपना बैकग्राउंड ब्लू कर लिया, फिर करते हैं डन। फिर कलर वाले ऑप्शन में आने के बाद वाइब्रेंस इसका थोड़ा बढ़ाकर, और यहाँ पे हमारा फेस थोड़ा ब्लैक हो गया तो हम फेस को वाइट कर लेते हैं। और ग्रीन वाले में आने के बाद, ब्लू वाले में आने के बाद इसका हुई थोड़ा सा प्लस कर देंगे, सेचुएशन कम। फिर ग्रीन ब्लू वाले में आने के बाद हुई प्लस, सेचुएशन कम। फिर रेड वाले में आने के बाद अपना एडजस्ट कर लीजिए, तो रेड वाला आप नहीं लग रहा तो रेड वाले को ऐसे छोड़ सक देते हैं, आप अपने फ़ोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर इसका टेम्परेचर 2+ माइनस। और फिर हम बिंटेक वाले में आने के बाद इसका बिंटेक कम कर देंगे, मिड पॉइंट कम, फेदर भी फेदर थोड़ा प्लस करेंगे, राउंडनेस थोड़ा सा प्लस करेंगे। फिर सिलेक्टिव वाले में आने के बाद सिलेक्ट सब्जेक्ट, फिर क्रिएट, फिर से हम वही काम करेंगे डिलीट वाले के ऊपर ऑप्शन क्लिक करके, और इसके हम क्लियरिटी कम कर देते हैं। अगर वहाँ से हम करते पहले बिनटेक से तो हमारा फेस का भी क्लियरिटी कम हो जाता, हम केवल बैकग्राउंड की क्लियरिटी कम करना चाहते थे। हम फिर उसे सेव करके फिर से सिलेक्टिव वाले में आने के बाद रेडियल वाले में आ जाएंगे, और यहाँ से हम फेस पे लाइट देंगे। तो लाइट देने के लिए हम यहाँ पर शैडो थोड़ा सा प्लस कर देते हैं, जिससे हमारे फेस पे लाइट आ जाएगा। फिर करते हैं डन, और इस फोटो करते हैं सेव। तो दोस्त आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, हमारा फ़ोटो बनकर रेडी हो चुका है, आप भी ऐसा एडिट कर सकते हैं। तो लाइक एक कर दीजिएगा दोस्त, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।